नमस्कार। दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बैसाख अमावस्या पर शनिवार को गांव कमालपुर बिठवाना में बाबा राम राम के निर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने साथ मिलकर कीर्तन में भंडारे का आयोजन किया, वहीं लगातार बाबा की भक्ति का गुणगान भी किया। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा की बेहद मान्यता है, जो भी बाबा को याद करते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है। इसको लेकर दैनिक साथी की टीम ने लोगों से बात भी की, वहीं बाबा फक्कड़ राम ने भी बाबा की महिमा को बताया कि आखिर किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है व किस तरह से लोगों की आस्था है। अब सुनाते हैं बाबा फक्कड़ राम जी को और उसके साथ अन्य ग्रामीणों को। ये आज के दिन बाबा राम राम को समाधि दी गई थी, ये उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम करते हैं। वैशाख अमावस्या को ही ये कार्यक्रम होता है, तारीख कोई भी हो, तिथि वैशाख की अमावस्या ही होती है। कौन सी निर्वाण तिथि है ये? बाबा राम राम के निर्वाण दिवस है बैसाख की अमावस्या। ये मेरे ख्याल से 1973 में चुना छोड़ा था। तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं और किन क्या मानते हैं कि आसपास के कितने लोग आते हैं यहाँ पे? ये गांव बस्ती के आसपास के लोग आते हैं, उनके बाबा की भगत भी हैं, बाहर भी हैं, आते जाते रहते हैं। और अब वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भंडारा हमने 2011 में प्रारंभ किया था। पहले विराम पड़ा था, कुछ उसकी प्रेरणा हुई जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, पिछले सालों की बात करें तो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती रही है। भारी गर्मी के बावजूद भी इतने लोग यहाँ पे भक्त आते हैं, कि आस्था क्या कहेंगे इसको लेकर? ये भंडारे में दिन भर में कम से कम 15,000 पब्लिक आती होगी, ज़्यादातर नज़दीकी लोकल लोग ज़्यादा हैं आस पास के गाँव। तो जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? वो अपनी प्रार्थना बाबा से करें, बाबा उनको शक्ति दें, उनके जीवन में बदलाव आए, वो विकास की ओर जाएं। चाहे बंदी और प्रार्थना से मानव में सुधार होता है और यही काम कठिन होता है। नाम है संतु। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज बाबा राम राम का निर्वाण दिवस है। तो क्या किया जाता है इस दौरान? यहाँ बाबा का नाम का भंडारा लगता है। कितने गांव के लोग यहाँ पे आते हैं आसपास के? हाँ, आठ पड़ोस के तो सभी आते ही आते हैं, काफी गांव के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे आते हैं? भंडारा भी होता है, कीर्तन भी होती है, लगातार महिलाएं भी लग रही हैं। समथिंग मान के चलिए कि 15,000 के करीब पब्लिक आती है। ये बाबा का निर्माण दिवस है और ये हमारे बाबा फक्कड़ राम ने, जो हमारे संत फक्कड़ राम फक्कड़दास थे, और यहाँ बाबा के तपोभूमि पर बाबा राम राम कुमारपुर के पंडित जी थे, जिनको यहाँ तपस्या की थी, तो अपना पूर्ण जीवन समाप्त करके थे। ना किसी ने नाता देखा, ना खाता देखा, ना सोता देखा, ना उठता देखा, सिर्फ राम राम राम। और ये पिछवाड़ा कमालपुर दो गाँव का शमशान है। और जो फक्कड़ राम जो आए थे निन्यानवे, उसके बाद साल में दो भंडारे होते हैं, सावण की शिव महाप्राण होती है। और फक्कड़ राम के आने से ये जो आज विशाल भंडारा जो हो रहा है, कम से कम अब जैसा लगाया जाए 25,000-30,000 तो आदमी कम से कम आते हैं। और ये कोई भंडारा एक पिछवाड़ा कमाल का नहीं है, ये पूरे देश का भंडारा है, ये तपोभूमि है बाबा राम की। क्या नाम है जी आपका? आज यहाँ पे जिस तरह से भंडारा हो रहा है, कीर्तन, और क्या पूरा कार्यक्रम है? यहाँ मतलब सिवाय बाबा राम राम के। और बाबा राम राम एक ऐसे इंसान थे, महात्मा थे, जो कि मगर लोग ललक बहु माया किसी चीज का उसको वो था ही नहीं, हर चीज से दूर थे, त्याग रखा है सबको। इस बरंडे में वो लोग रात और दिन हो घूमते दिखाई देते थे, कभी किसी ने सोते नहीं देखे, कभी खाना खाते नहीं देखे, कभी नहाते नहीं देखे, ना कभी चटके जाते देखे, ना कि खाओ करते देखे। ये उनकी एक
बहुत बड़ी समस्या थी, और जब भी यहाँ से कोई सड़क से आवाज़ बाबा राम राम, जो बारह बजे